बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जनाब आपकी सेहत भी बहुत अच्छी सी होगी, क्योंकि जब आप हेल्दी खाना खाते हैं और हेल्दी खाने की बात करते हैं तो आपकी सेहत बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब उसमें चाहे आप डाइट प्लान पर हों या चाहे ना हो, आज की जो हमारी रेसिपी है वो डाइट प्लान वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं थोड़ी सी फ्राइंग। और फ्राइंग करेंगे जनाब, यहाँ पर खूबसूरत सा मेरे पास मौजूद है डीप फ्रायर एनेक्स का। और आज जो हम इसमें आपके लिए जो चीज़ हम बना रहे हैं वो है फ्राइज़, क्योंकि अक्सर आप लोग पूछते हैं कि जी फ्राइज़ जो हैं वो हमारे प्रॉपर फ्राई नहीं होते, कच्चे रह जाते हैं, कलर नहीं आता। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका तरीक़ेकार क्या है और उन फ्राइज़ से हम बनाएंगे आप लोगों के लिए जैकेट पोटैटोज़ बहुत ही मज़ेदार बीन्स के साथ। तो कैसे बनेंगे आपको दिखाते हैं। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये पोटैटो कटर आप कह लीजिए, और इसमें परफेक्ट चिप्स जो हैं वो आप काट सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आलू छील के और आपने इसके यहाँ इसकी जो आप कह लें कि पॉकेट बनी हुई है उसमें रखेंगे, और ऊपर से आपने इसको यहाँ से प्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट आपके पास फ्राइज़ जो है तैयार होंगे। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास फ्राइज़ तैयार हो गए हैं, और अब बात करेंगे हम यहाँ पर डीप फ्रायर की। एनएक्स का डीप फ्रायर है, ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद अब मैं इसको ऑन कर दूंगा। अच्छा, आप देख रहे हैं दो नॉब्स हैं, एक है टेम्परेचर की, टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ इसको 160, और यहाँ से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको अब हम हीटअप कर लेंगे और उसके बाद फ्राइज इसमें हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूंगा अपने ये फ्राइज। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल, इस हमारे पास यहाँ लेवर है, इसको हम ऊपर कर लेंगे तो हमारे पास ये टोकरी जो है ऊपर आ जाएगी। ठीक है, स्टेनर, और इसमें हम अपने सारे ऑयल फ्राइज़ डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम डालेंगे बीन्स, तो इसलिए आपने देखा मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्राइज़ को कट किया और हमने इसको ऑयल में क्या किया, फ्राइंग के लिए डाल दिया। और इसको अब मैं कर दूँगा क्लोज। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज़ जो है वो तैयार हो चुके हैं, मुझे इनको गोल्डन नहीं करना। ठीक है, मुझे गोल्डन क्यों नहीं करना, क्योंकि मैं इससे बनाऊंगा रेड बीन चाट, जो हम जैकेट पोटैटो मैं आपको बता रहा हूँ वो हम बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसको मज़ीद थोड़ी देर लाइक 4 से 5 मिनट और फ्राई करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत कलर भी आ जाएगा और ये बेस्ट जो है आपकी क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छा, किसी दिन इंशाल्लाह आपको क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम क्रिस्पी फ्राइज़ बना सकते हैं। और ये देखें हमारे पास फ्राइज़ बिल्कुल डन हो गए हैं, गल गए हैं, और इसका ऊपर का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डीप फ्रायर को हम ऑफ़ कर देंगे और ये स्टेनर जो है इसको हम उठा लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको रेस्ट दे दीजिए ताकि आपके जो फ्राइज़ हैं उसके ऑयल अच्छे से निकल जाए। और जनाब हमारे पास फ्राइज़ हमने स्टेन कर लिए हैं, बिल्कुल ऑयल नहीं रहना चाहिए। और अब इन फ्राइज़ को हम अपनी प्लेटर पे निकाल लेंगे, जिस भी प्लेटर में आपने इसको सर्व करना है उसमें आप इन फ्राइज़ को लगाइए। फ्राइज़ के ऊपर अब हम डालेंगे रेड किडनी बीन्स, ये इटिन में मौजूद मिल इसी तरह पैक में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल हैं, बस आपने इनको खोलना है। ठीक है, और इसका ऊपर से थोड़ा सा मैं लिक्विड जो है वो हटा रहा हूँ, और ये रेड किडनी बीन्स जो हैं ये इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे, आपकी चॉइस है, मैं इसमें लगा रहा हूँ थोड़े से हैलिपिनो। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे ओरिगैनो लीव्स, और हमारी आज की रेसिपी तैयार है। हमने आज आपको बताया एनएक्स की प्रोडक्ट हमने यूज़ की, दो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ की, एक हमने ये जो हमारे पास पोटैटो कटर था, फ्राइज़ का फ्राइज़ कटर जिसको कहा जाता है, ये आप हमने इसमें फ्राइज़ को कट किया, अपने चिप्स को कट किया और उसके बाद फ्राइंग की हमने अपने डीप फ्रायर में। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, और एनएक्स की प्रोडक्ट तो पसंद आ ही रही हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का रेसिपीज़ को देखने के लिए, और जल्दी जल्दी आपने जनाब क्या करना है, प्रोडक्ट को लेना है और उसके साथ साथ उसमें बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ इंजॉय कीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।